क्लासिफिकेशन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अटेम्प्ट किया गया है, बड़ा मेहनती साइंटिस्ट था बेचारा बोहर। बोहर क्लासिफिकेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट बातों में से एक है। यहां जो भी मैं आपको डाटा निकाल के दूंगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और पूरी केमिस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको समझना काफी जरूरी भी है। बोहर क्लासिफिकेशन में उसने सबसे पहले क्लासिफाई किया इन फॉर्म ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस के फॉर्म में क्लासिफाई किया। तो आपको मालूम है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 18 होता है वो इनर्ट गैस कहलाता है, और इनर्ट गैस को और क्या बोलते हैं, इनको नोबल गैस भी बोलते हैं, और नोबल गैस के साथ साथ इनर्ट गैसेस कौन कौन होते हैं ये भी आप जान लीजिए। हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और ज़ीनॉन। सरकार इनर्ट गैस में बोहर ने काफी कुछ जानकारी कलेक्ट करके दी। उसने बताया कि ये नॉर्मल कंडीशन में ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, मींस दे ऑल आर नॉन रिएक्टिव, तभी तो इनको इनर्ट गैस बोला जाता है। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम में ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर नॉर्मल कंडीशन ये किसी से रिएक्ट नहीं करते तो सवाल पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें ये किसी से रिएक्ट करते हैं। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, तो जानते रहिएगा कि एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर को और प्रेशर को अगर काफी बढ़ा दिया जाए तो दो, पहले ये भ्रांतियां फैली थी इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट नहीं करते, करीब 100 सालों तक ये बात फैला हुआ था। बाद में बोहर ने ये बात सिद्ध किया कि क्रिप्टॉन और कौन ज़ीनॉन ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये क्या करते हैं। क्रिप्टॉन तो सिर्फ फ्लोरीन से रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बनाता है KrF2, ये है क्रिप्टॉन का फ्लोराइड। लेकिन ये जो ज़ीनॉन है ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये ऑक्साइड भी बनाता है, ये फ्लोराइड भी बनाता है F2, F4, F6 टाइप का, और डिटेल में पढ़ने पे पता लगा कि ये XeO2F2, XeOF4 ये ऑक्सीक्लोराइड्स भी बनाता है। यानी कि जो बोहर क्लासिफिकेशन में इनर्ट गैस हेडिंग हमने डाली उसमें हमने जाना कि जो नॉर्मली बताया जाता है हमको इनर्ट गैसेस किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये बात सिर्फ ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पे प्रमाणित है। अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा और प्रेशर को भी बढ़ा दिया जाए तो दो इनर्ट गैसेस हैं, बाकी कभी नहीं करते हैं, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक कौन कौन फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देते हैं। क्रिप्टॉन सिर्फ धरती पे, क्रिप्टॉन का कोई दूसरा कंपाउंड नोन नहीं है, सिर्फ क्रिप्टॉन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्रिप्टॉन का फ्लोराइड बनाता है। लेकिन जो ज़ीनॉन है वो ऑक्साइड भी बनाता है, वो फ्लोराइड भी बनाता है, और वो साथ साथ ऑक्सी क्लोराइड भी बनाता है। ये इतने डाटा मैंने कहां से आपको निकाल के दिया, इनर्ट गैसेस से। बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बातें जानने योग्य है, ये इनको आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्लासिफिकेशन जो बोहर ने बताया, उसने क्लासिफाई किया नॉर्मल एलिमेंट्स के फॉर्म में। अब आप जब किसी भी बुक को खोलते हो तो वहां पे नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को डिस्टिंग्विश नहीं किया गया रहता है, बहुत ध्यान से सुन लेना। बोहर क्लासिफिकेशन में पहली हेडिंग आपने डाली थी क्या, इनर्ट गैसेस, दूसरी में डाल रहा हूं क्या, नॉर्मल एलिमेंट्स। बेटा नॉर्मल एलिमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या दोनों सेम है क्या, नॉर्मल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? तो आप बोलोगे हां, लेकिन अगर सेम होते तो मैं इनको ना डालता, मैं नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव ना लिखता, ब्रैकेट में रिप्रेजेंटेटिव लिख देता। तो सबसे पहले जान लो तुम कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, किसको किसको, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स
आर कलेक्टिवली कलेक्टिवली नोन एज नॉर्मल एलिमेंट। तो बच्चा मुझसे पूछेगा कि फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या है, तो थोड़ा आपको मुझे समय देना पड़ेगा। ये एक ऐसी जानकारी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, इनफॉर्मेटिकल है, लेकिन बहुत बेहतरीन है। इसको जब आप मेरे मदद से पढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। बेटा आओ देखते हैं, एस ब्लॉक में कौन होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम। अगर हम बात कर लें एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर टू की, तो वहां कौन होता है? लिथियम के बाद लिथियम के सामने कौन आ जाता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। सरकार इसी सिलसिले में आगे बढ़े तो इसके सामने पी ब्लॉक में कौन आता है? बोरॉन। बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर। फिर कौन आ जाएगा? कहे शिव जी, सुने पार्वती, ग्रुप नंबर 14। फिर कौन आ जाएगा? नाना पाटकर ऐश्वर्या सब विमान। फिर कौन आ जाएगा? ओ एस सीमा तेरा फोन नंबर। फिर कौन आ जाएगा? फिर कल बाहर आई आरती। और उसके बाद यहां पे कौन आ जाएगा? हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहे। ये एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? नॉर्मल एलिमेंट। बट याद रखना कि जो ये आपके पीरियोडिक टेबल का जो पीरियड नंबर 3 है, पीरियड नंबर 3 में एक्सेप्ट ऑफ आर्गन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये ध्यान से देखिएगा। पीरियड नंबर 3 में जो एक्सेप्ट ऑफ आर्गन है, इन सबको क्या बोला जाता है? इन सबको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो बच्चा मुझसे पूछेगा कि क्यों बोला जाता है, तो मैं उसको जवाब दूंगा। इन्हें क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है सरकार, क्योंकि ये अपने अपने ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है। तो बच्चा पूछेगा कि भाई इनसे पहले लिथियम था, आपने लिथियम को क्यों नहीं बोला? लिथियम भी तो अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी को बताएगा। नहीं, ध्यान रखना, जो भी किसी ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है, जैसे यहां लिथियम, यहां बेरिलियम, इनकी साइज काफी छोटी होती है। साइज छोटी होने की वजह से ये एनामोलस बिहेवियर दिखाते हैं। एनामोलस बिहेवियर दिखाते हैं, यानी लिथियम अपने ग्रुप के साथ सिमिलरिटी ना दिखा करके किसके साथ दिखाता है? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम अपने ग्रुप के साथ सिमिलरिटी ना दिखा करके किसके साथ दिखाता है? एल्युमिनियम के साथ। बोरॉन अपने ग्रुप के साथ सिमिलरिटी ना दिखा करके किसके साथ दिखाता है? सिलिकॉन के साथ। तो ये कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? एनामोलस। तो इसलिए इनको हमने, यानी पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं बोला, हमने पीरियड नंबर 3 को बोला। ध्यान रखना क्यों बोला, क्योंकि नाम से ही पता लगा रिप्रेजेंटेटिव, ये अपने ग्रुप के एलिमेंट्स, ये अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। तो ध्यान रखना कि नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एक नहीं है। एस और पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? नॉर्मल एलिमेंट बोला जाता है। और सिर्फ पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स को एक्सेप्ट ऑफ आर्गन, यानी उसमें इनर्ट गैसेस को नहीं इंक्लूड किया जाता है, उनको क्या बोला गया है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब मैं अगर बोलूं कि ऑल द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर नॉर्मल एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है, बट ऑल द नॉर्मल एलिमेंट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यानी कि सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नॉर्मल एलिमेंट होंगे, लेकिन सारे नॉर्मल एलिमेंट बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि अगर कोई बोले कि कुल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की संख्या, मींस द टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज हाउ मच, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं। कौन कौन? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस और क्लोरीन।
देखा कि हमने बोहर क्लासिफिकेशन में दो बातें पढ़ ली। पहली बात क्या थी कि इनर्ट गैस, और दूसरी बात क्या थी बेटा, आपका नॉर्मल एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। बोहर के क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हुए मैं जो तीसरी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो तीसरी बात है ब्रिज एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिज एलिमेंट। अब सरकार इसमें पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिज एलिमेंट के बारे में आप यह जानते रहना कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिज एलिमेंट, चाहिए आप तो नोट भी कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिज एलिमेंट जो था इज एप्लीकेबल इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ध्यान रखना, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें ब्रिज एलिमेंट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे मैंने इतनी बेहतरीन वीडियो बनाई है कि जिस दिन आप उसको देखोगे तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने नहीं बचेगा। वहां हमने आपको बताया था कि हर एक ग्रुप को दो सब ग्रुप ए और बी में बांटा गया है। जैसे ग्रुप नंबर वन को जिसे रोमन डिजिट में ऐसे दिखाते फर्स्ट से, वो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। सिमिलरली ग्रुप नंबर टू को सेकेंड ए और सेकेंड बी में, और इसी तरह से ग्रुप नंबर थ्री को थर्ड ए और थर्ड बी में, इसी तरह से आगे सॉन कर देते हैं। अब इसमें आप जरा देखना कि आपको तो मालूम है, थोड़ी इतनी चीज तो बेटा याद रखनी पड़ेगी, बाकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या बेसिक चीजें थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे आपका था सोडियम पोटेशियम, यहां पे आपका क्या था मैग्नीशियम कैल्शियम, यहां पे आपका क्या था एल्युमिनियम और गैलियम। सरकार फर्स्ट बी में ये कुछ पोजीशन मैं आपको बताता हूं कि यहां था कॉपर, यहां था जिंक। एज ए टीचर मैं याद रख रहा हूं, आपको अगर नहीं भी याद होता है तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे न्यूमेरिकल टूटे, मेनली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और यहां पर रखा था स्कैंडियम। अब इसी तरह से पूरी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में व्यवस्था थी, उसको हमको जानने की जरूरत नहीं है, फेल थियरी था वो। देखें तो ये जो सोडियम है ये ऐसे ब्रिज है कि नहीं है इससे, यानी अगर मैं यहां से एक ऐसा ब्रिज बना दूं तो कॉपर की ब्रिज पोजीशन पे सोडियम है कि नहीं, ठीक इसी तरह से जिंक के ब्रिज पोजीशन पे मैग्नीशियम है कि नहीं, ठीक इसी तरह से स्कैंडियम के ब्रिज पोजीशन पे एल्युमिनियम है कि नहीं। इसलिए इन सबों को क्या बोला गया, ब्रिज एलिमेंट बोला गया। अब एक बात ध्यान रख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें याद रखने में आसानी होगी कि जो तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट थे वही सब के सब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोहर क्लासिफिकेशन में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट थे वही मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कौन थे, ब्रिज एलिमेंट। यानी जितने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है उतने तुम्हारे कौन हो गए इस वक्त, BRIDGE ब्रिज एलिमेंट हो गए। यानी आपके ब्रिज एलिमेंट कौन कौन से हैं, यही है कौन, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस और क्लोरीन। तो बच्चे को ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि सल्फर एक्ट एज अ ब्रिज एलिमेंट बिटवीन, आपको ऑप्शन देगा फिफ्थ ए फिफ्थ बी के बीच, ऑप्शन नंबर टू दे देगा फोर्थ ए और फोर्थ बी के बीच, ऑप्शन नंबर थ्री दे देगा सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी के बीच, ऑप्शन नंबर फोर दे देगा सेवेंथ ए और सेवेंथ बी के बीच। अब तो आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा, लेकिन चक्कर मत खलवाना, काउंट कर लेना। आपको मालूम है कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है वही आपके ब्रिज एलिमेंट है। बताओ सोडियम किसके बीच वर्क करेगा, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। मैग्नीशियम किसके बीच करेगा, सेकेंड ए सेकेंड बी। उसके बाद एल्युमिनियम किसके बीच करेगा, थर्ड ए थर्ड बी। फॉस्फोरस किसके बीच करेगा, एल्युमिनियम सॉरी सिलिकॉन किसके बीच करेगा, फोर्थ ए फोर्थ बी।
फास्फोरस किसके बीच करेगा? फिफ्थ ए फिफ्थ बी। सल्फर किसके बीच करेगा? अगला नंबर सिक्स ए सिक्स बी। याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो दिमाग चक्कर में जा देता है, यानी कि आपको ये पूरा मेंडली पीरियाडिक टेबल रटने की जरूरत नहीं है। इतना जितना मैंने लिख दिया है इसके बिहाफ पे इस पे आने वाले क्वेश्चंस को तोड़ा जा सकता है। और जान लो कि पूरे संसार में मेंडली पीरियाडिक टेबल किसी याद नहीं, ना ही किसी को उसकी जरूरत है। तो यहां से समझ में आया, इस तरह से आपसे कुछ भी पूछ ले, सल्फर के बजाय आपसे अगर सिलिकॉन फॉस्फोरस, यहां शायद मैंने नहीं लिखा है, सल्फर सल्फर भी होगा, क्लोरीन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप सोडियम से बढ़ते जाना। सोडियम फर्स्ट ए फर्स्ट बी, मैग्नीशियम सेकंड ए सेकंड बी, एल्युमिनियम थर्ड ए थर्ड बी, सिलिकॉन फोर्थ ए फोर्थ बी, फास्फोरस फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सल्फर सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, क्लोरीन सेवंथ ए सेवंथ बी। यहां से किसी भी एलिमेंट को पूछे कि किसके बीच में ब्रिज एलिमेंट की तरह वर्क करता है तो आप बहुत आसानी से बता देंगे। लेकिन सबसे जो डेंजर जोन है वो मैं आप बोलने जा रहा हूं कि बच्चे को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि टोटल ब्रिज एलिमेंट कितने हैं, क्या टोटल ब्रिज एलिमेंट सात हैं? तो ये बेटा गलत बात है, टोटल ब्रिज एलिमेंट सात नहीं है। यहां शुरू में तो ब्रिज एलिमेंट को सात पाया गया और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बताया गया, लेकिन टोटल जो ब्रिज एलिमेंट होते हैं उनको बताने से पहले मुझे कुछ और बताना पड़ेगा, और वो और क्या है ये जरा ध्यान से देखिएगा। हम बहुत क्लासिफिकेशन में ही जब आगे बढ़ेंगे तो हमने तीन पॉइंट्स को कवर किया है, चौथा पॉइंट मैं कवर करना चाहता हूं, जो वो आप देखिए, डायगोनल पेयर। जो डायगोनल पेयर का कॉन्सेप्ट कैसे आया, वैज्ञानिक बिल्कुल चौंक से गए जब उन्होंने देखा कि सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट जैसे कि लिथियम बेरिलियम बोरॉन अपने ग्रुप के साथ सिमिलरिटी दिखाने के बजाय, ये जो सिमिलरिटी दिखा रहे थे ये अपने ग्रुप के बजाय ये किसके साथ दिखा रहे थे, थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट जो कि कौन थे, मैग्नीशियम और बेरिलियम किसके साथ दिखाएगा, एल्युमिनियम के साथ, और बोरॉन किसके साथ दिखाएगा, सिलिकॉन के साथ। ये थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स के साथ सिमिलरिटी दिखा रहे थे, जैसे लिथियम सोडियम बेरिलियम मैग्नीशियम बोरॉन एल्युमिनियम। उनने देखा कि लिथियम सिमिलरिटी दिखा रहा है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम दिखा रहा है एल्युमिनियम के साथ, और जो आपका कार्बन है और सिलिकॉन, तो ये बोरॉन किसके साथ दिखा रहा था, सिलिकॉन के साथ। इनके बारे में जब वैज्ञानिकों ने अच्छे से पढ़ा तो देखा क्यू बाई आर, जिसको बोला जाता है चार्ज पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज पोटेंशियल बोला जाता है। चार्ज पोटेंशियल क्यों है, क्या है, इनसे इनके न्यूक्लियस में एसोसिएटेड चार्ज डिवाइडेड बाय इनका रेडियस। इस वैल्यू को जब नापा तो देखा कि लिथियम मैग्नीशियम के लिए, और देखा बेरिलियम एल्युमिनियम के लिए, और देखा बोरॉन और सिलिकॉन के लिए सेम था। क्या सेम था, चार्ज पोटेंशियल, यानी कि सारे डायगोनल पेयर के लिए, अब ये नहीं इन सबका आपस में बराबर था, ये गधापन मत करना, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ बराबर था, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ बराबर था, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ बराबर था। तो इससे ये बात सिद्ध हो गई इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपस में कैसी होती है, एक जैसी होती है। अब जरा देखो कि तुम्हारे पास सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, ये सात एलिमेंट आए थे जो कि रिप्रेजेंटेटिव भी बोले जाते हैं और क्या बोले जाते थे, ब्रिज भी बोले जाते थे। तो क्या ये डायगोनल पेयर ब्रिज जैसे हैं या नहीं है, ये तो मुझे ब्रिज जैसे दिख रहे हैं, क्या तुम्हें दिख रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भैया दिखने चाहिए तुम्हें भी, अगर नहीं दिख रहे हैं तो अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। तो वैज्ञानिकों ने ये कह दिया कि जो ब्रिज एलिमेंट है वो सिर्फ सात नहीं है, डायगोनल पेयर्स को भी किस कैटेगरी में रख दिया, ब्रिज एलिमेंट्स की कैटेगरी में रख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बुकों में छान मारोगे तो भी नहीं पाओगे। और यहां से उन्होंने बोला कि टोटल ब्रिज एलिमेंट जो है वो कितने हैं, 10 हैं, वो सात नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, हमको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि टोटल ब्रिज एलिमेंट कितने हैं, सात हैं, लेकिन जो डायगोनल पेयर्स होते हैं कौन कौन, लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्युमिनियम बोरॉन और सिलिकॉन, इसमें भी लिथियम बेरिलियम और बोरॉन की जो
बिहेवियर है वो कैसा है, ब्रिज एलिमेंट जैसा है। इको भी किस क्लास में रख दिया गया, ब्रिज की क्लास में रख दिया गया। यानी कि टोटल ब्रिज एलिमेंट हमारे पास, फिर से बोल दे रहा हूं और कंक्लूड कर दे रहा हूं, कितने हैं, 10 ब्रिज एलिमेंट्स हैं। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी। सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी किसके साथ थी, अपने ग्रुप के जैसी ना हो करके थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स के साथ दिखा रहे थे, जो ऐसे ब्रिज पोजीशन पे उनके सामने थे। जब इनको पढ़ा गया तो देखा गया कि इनका सबका क्यू बाई आर, जिसको बोलते हैं चार्ज पोटेंशियल, आपस में सेम होता है। और जब क्यू बाई आर सेम होता है, इसलिए इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टियां भी आपस में लगभग क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। और इनको डायगनल पेयर भी बोला जाता है। तो बेटा यहां से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप तक पहुंचाई। इन इंपॉर्टेंट बातों को पहुंचाने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कुछ और बातों को। अगला क्लासिफिकेशन उसने किया ट्रांजिशन एलिमेंट। कैसा किया? ट्रांजिशन एलिमेंट। सरकार जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट को पढ़ते हैं तो आपको मैक्सिमम जगहों पे लिखा रहता है कि जिसमें डी सबशेल इनकम्प्लीट हो उसे बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। मैं इस डेफिनेशन से कोई ताल्लुक नहीं रखता, बुक्स में भी ये बात लिखी है, लेकिन ये बात बिल्कुल ही किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसको मैं अभी आपको धीरे धीरे फील भी करा देता हूं। डी सबशेल इनकम्प्लीट है उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। आओ डी ब्लॉक को बना लेते हैं। साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फे को न कॉपर जिंक। इसके नीचे आप आते हैं तो यारी जरा निभा मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा। उसके नीचे आप आते हैं तो आपको मिलता है ला हफ्ता वरना रे ओ एस इरफान पठान और होगाड़। उसके नीचे जब आप आते हैं तो आप लिखते हैं एक राइफल दबाए सागर भाई हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। अब ये अगर डी ब्लॉक एलिमेंट हैं तो जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पूरे के पूरे ग्रुप का, वो क्या होता है, NS2 N-1D10 होता है। यानी कि अगर मैं इसका चेक करूंगा तो 4S2 3D10, इसका चेक करूंगा तो 5S2 4D10, इसका चेक करूंगा तो 6S2 5D10, इसका चेक करूंगा तो 7S2 और 6D10 आएगा। यानी कि फिर तो ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए। ये सारे क्या हो गए हमारे, पूरा इसको छोड़ करके ये सारे यहां से लेकर के यहां तक जो है वो सब क्या हो गए, ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए। क्योंकि इन सबों में डी क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा, ऐसा समझाया जाता है। लेकिन मेरा एक तर्क है, जरा देखें, अगर मैं कॉपर को उठा लूं तो जरा देखिए कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 4s2 और 3d9 आता है। फिर आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं आउटर मोशन में, ये 3d10 और 4s1 हो जाता है। मैं आउटर मोशन का लिख रहा हूं क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एक लेक्चर एक घंटे का बना दिया है। उसमें अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो मजे करिए, मेरे पढ़ाने ना पढ़ाने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। देखिए ध्यान से बेटा, कॉपर में तो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी कॉपर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। बताओ कि बुक में लिखा गया डेफिनेशन क्या इस बात को जस्टिफाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बुकों में क्या लिखा रहता है कि जिनमें इनकम्प्लीट डी सबशेल हो उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो बताओ कि कॉपर को छोड़ के इन सारों में इनकम्प्लीट है, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, मैं एग्री करता हूं। लेकिन वो कॉन्सेप्ट साइंटिफिक नहीं कहा जाएगा जो 100% एप्लीकेबल ना हो। अगर मैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो मैंने देखा कि यार कॉपर में तो क्या है, 3d10 है। अब बताओ भैया, अगर कॉपर में 3d10 है तो कॉपर क्या हुआ, ट्रांजिशन एलिमेंट हुआ कि नहीं? किताबों के डेफिनेशन से तो कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए लेकिन कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो अब मैं क्या करूं? तो अब तुम कुछ मत करो, अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और बातों को होल्ड करो। अगर कोई भी एलिमेंट एक्स है,
स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना, और ग्राउंड स्टेट, इन दोनों स्थितियों में, किसमें किसमें, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में, अगर उसके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, बहुत कुछ निकल के आएगा, मस्त हो जाओगे, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है तभी वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा, तभी वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट, अभी इसमें भी ट्विस्ट है, तभी वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। अब अगर मैं बात करूं किसकी, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, अगर मैं चलो बात कर देता हूं, बिना मिटाए कर दूं, चलो जिंक की, कैडमियम की, मरकरी की और सीएन की, तो इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 आउटर मोशन का 4H2 3D10, इसका 5S2 4D10, इसका 6S2 5D10, इसका 7S2 और क्या हो जाएगा 6D10। सरकार बताओ कि क्या अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन है, नहीं। हम जानते भी हैं कि इनका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, +2 होता है। अगर इसमें हम +2 लगाएंगे, मान लो बाद में तो +2 लगा देंगे, तो +2 लगा देंगे तो यहां 0 हो जाएगा। बताओ, ना तो +2 से पहले डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ना +2 लगाने के बाद डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब हो गया ये जिंक, कैडमियम, मरकरी और सीएन, ये सारे के सारे आपके ट्रांजिशन, बेटा ध्यान से देखना, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब बात आती है कॉपर की, तो मैं प्रमाणित करता हूं, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए, मैं इसे मिटाता हूं, मैं प्रमाणित कैसे कर दूंगा, आप देखो, कॉपर का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अभी भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, वो ट्विस्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूं। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं सीधे आउटर मोशन कर दे रहा हूं, 4s1 3d10 करोगे। अब बताओ, कॉपर दो ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, एक तो Cu+, एक Cu+2, तो Cu+ आते ही ये हो जाएगा 3d10 और 4s0 और Cu+2 होते ही 3d9 और 4s0 हो जाएगा। तो दुनिया को लगेगा कि 3d10 मोर स्टेबल है, क्योंकि फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ज्यादा स्टेबल स्टेट क्या होनी चाहिए कॉपर की, +1। लेकिन तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, तुम्हारा ज्ञान बहुत छोटा है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसको स्टेबल होना चाहिए, बहुत ध्यान से सुन लेना नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, Cu+ की, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, कम। लेकिन भूल गए हो तुम कि ये सारी घटनाएं ऑक्सीडेशन वगैरह पानी के अंदर होती हैं, पानी के अंदर हाइड्रेशन एंथैल्पी वर्क करता है। अब अगर आप जाएंगे YouTube पे तो मैंने एक लेक्चर डाला है जिसमें आपको सॉल्युबिलिटी मिलेगा, सॉल्युबिलिटी मैंने हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हाइड्रेशन एंथैल्पी डेल एच, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगा वो +1 का कम होगा, और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा वो +2 का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा भाई, हाइड्रेशन एंथैल्पी होता क्या है, किसी कैटायन को जब पानी घेरता है तो कैटायन और पानी के ऑक्सीजन के बीच अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्शन लगता है, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। वही जो पर मोल कैटायन से जितनी एनर्जी रिलीज होती है वही क्या कहलाती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब +1 चार्ज है तब ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा कि +2 चार्ज है तब ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, तो कूलाम का नियम बताता है कि चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि +2 के केस में जो कैटायन होगा वो वाटर के ऑक्सीजन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो रिलीज ऑफ एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। रिलीज ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी तो +2 के केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब जरा देखो, ये तो वही केस हो गया कि एक फैक्टर कह रहा है इसे स्टेबल होना चाहिए, दूसरा फैक्टर कह रहा है इसे स्टेबल होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो जब भी भारत दूरी दुनिया में जब भी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन आती है तो रिजल्ट हमेशा उसकी तरफ जाता है जो मोर पावरफुल हो। जैसे कि मैं आपको 100 रुपए दे दूं और आपसे 2 रुपए ले लूं, तो बाहर जाके आप कभी नहीं कहोगे सर ने मुझसे 2 रुपए लिया, आप कहोगे सर ने मुझे 98 रुपए दिए, क्योंकि दिया गया पैसा लिए गए पैसे से क्या है, ज्यादा। लेकिन इसका उल्टा कर दूं,
कि आपको 2 रुपया दे दूं और 100 रुपया ले लूं, तो आप बाहर, क्योंकि लिए गए पैसे का मैग्नीट्यूड दिए गए पैसे से क्या है, ज्यादा। तो यहां एक फैक्टर कह रहा है ये स्टेबल है, दूसरा फैक्टर कह रहा है ये स्टेबल है। बताओ अगर एक कोई चीज हो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मोर पावरफुल उसी की तरफ रिजल्ट, तो जानते रहिएगा कि इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन एंथैल्पी इज मोर पावरफुल देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन एंथैल्पी इज मोर पावरफुल देन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे ये बात प्रूफ हो जाता है कि Cu+2 मोर स्टेबल है। और जब Cu+2 मोर स्टेबल है तो देखो यहां क्या लिखा है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि कॉपर जो बार बार आपके डेफिनेशन से दूर भाग रहा था, ये प्लस टू में कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखता है, 3d9 रखता है। और जब 3d9 रखेगा तो बताओ अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो, इसलिए क्योंकि कॉपर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन रखता है, ग्राउंड स्टेट में नहीं रखता बट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में रखता है। और हम जानते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर दे तो ट्रांजिशन होगा। तो यहां से यह बात सिद्ध हो जाती है कि कॉपर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। बेटा मैंने पूरी मेहनत करके आपको समझाया है, तो अब आप बातों को ध्यान से देखिएगा बार बार। कुछ अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर हम मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब यहां जरा गौर से समझना कि टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, अगर टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट, तो टोटल डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 40। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो सरकार ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 36। यहां से एक बात और निकल के आती है कि सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये, इसको आप जो है बार बार देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अब क्लासिफिकेशन के ही सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्लासिफिकेशन है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों बोला जाता है, भगवान की कृपा से मैं ये भी आप तक पहुंचा सकता हूं। जरा देखिएगा, अगर मैं एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट ले लूं, सपोज कर लो कि चलो पी आर ले लेता हूं, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 59। तो जरा देखना तुम, अभी तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 4s2 3d 10, 4p6 4d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 5s2 4d 10, 5p6 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 5f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 6s2। यहां 6s2 होते ही 56 इलेक्ट्रॉन फिनिश हो जाते हैं। 56 के बाद जो भी बचे इलेक्ट्रॉन है वो चुपचाप मैं कहां डाल दूंगा, 56 के बाद 3 बच रहे हैं, यहां डाल दूंगा। सरकार ये हमारा ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जब मैंने यहां इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो देखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर जा रहा है कि नहीं, जरा देखो 4f कहां है, डी के अंदर है कि नहीं, डी में जाता उसे क्या बोल देते थे हम लोग, ट्रांजिशन। डी के अंदर गया लास्ट इलेक्ट्रॉन तो उसे क्या बोल देंगे सरकार, इनर ट्रांजिशन। क्या बोल देंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। अब साहब हमारे देखेंगे बहुत कुछ कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा था कि अगर मैं बात कर दूं किसका, लैंथेनॉइड का, तो आउटर मोस्ट शेल में क्या आया था, 6s2 4f 1 2 14, 5d 0 to 1, कहीं कहीं 0 था कहीं कहीं 1 था, पूरा लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड खोल के देख लीजिएगा। और लैंथेनॉइड में आपको मैं और क्या जानकारी दे दूं, और क्या जानकारी दे दूं कि ये सबके सब सारे लैंथेनॉइड्स कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं, सब सारे एक्टिनॉइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं। एक मिनट मैं आपको और क्या जानकारी दे दूं, लालू सिंह प्रीति नंदा, ये जो पीएम एलिमेंट है ये मैन मेड है और ये कैसा है, रेडियो एक्टिव है। और तो कुछ नहीं बनता यार, बाकी कुछ मैंने आपको एफ ब्लॉक में पढ़ा रखा है, एक्टिनॉइड। हाँ, और बात अगर जानना चाहते हो तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका
प्लस थ्री और कुछ एलिमेंट होगा कितना होता है प्लस टू, प्लस टू होता है। इसी तरह अगर मैं एक्टिनॉइड बात करूं तो इसमें कुछ जानने योग्य बात है, सारे के सारे एक्टिनॉइड क्या होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। दूसरी बात जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज कर दो खाली, यहां 7H2 कर दो, यहां 6D021 कर दो और यहां 5F1214 कर दो। और उसके बाद इंपॉर्टेंट बातें अब शुरू होंगी। आप जब इसमें जाते हो तो 92 एटॉमिक नंबर के बाद यानी यूरेनियम खत्म होता है, यानी जिनका जिनका जेड ग्रेटर देन 92 है ये सब मैन मेड है। यहां बेटा जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीएम प्रोमेंशियम एलिमेंट है ये मैन मेड है और रेडियो एक्टिव यानी लैंथेनाइड्स में ये लैब में तैयार किया गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और एक्टिनॉइड में जेड ग्रेटर देन 92 यानी जिनका भी एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है सबके सब मैन मेड है और इनको क्या बोला जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं लेकिन जनरली प्लस थ्री और प्लस टू ही दिखाते हैं। यहां से सारी जानकारी खत्म हो गई, बोलने को तो बहुत कुछ है लेकिन मैंने सारी बातें कहां बोल रखी हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लेक्चर में मैंने लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में सारी बातें बोल रखी हैं। बेटा ये एक छोटा सा प्रयास था आपके लिए, उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर आपके लिए थोड़ा फायदेमंद रहेगा। आज का लेक्चर यहीं पर्याप्त होता है, यहीं समाप्त किया जाता है। थैंक यू।